हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वुलन नैपी बनाना देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे फिर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये हमारे जो आपको यहाँ पे कान्हाची दिख रहे हैं, ये वाले हमारे 2 नंबर हैं, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये तीनों साइज़ की नैपी की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लें। आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर का तो मैंने पहना के बना के सब कुछ करके दिखा दिया है, तो आप आज की वीडियो पूरी ये सब मिलेगा। और रही बात हमारे 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर के कान्हा जी, तो जिस तरह से हमने 5, 6 और 7 एकदम हल्का हल्का सा चेंजेज है इन तीनों में, तो उस तरह से मैंने आपको वीडियो में ही कंफर्म बता दिया। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और आप पूरी वीडियो देखने के बाद 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर के कान्हा जी की भी बना सकते हैं। मतलब टोटल मिला जुला के अभी तक हमने अपने चैनल पर 2 नंबर से लेके 10 नंबर तक के कान्हा जी की नैपी की वीडियो बता दी है वुलन लंगोट की। इसके बाद मैं आपको यही सब कुछ सिलाई से भी करना बताऊंगी, तो अगर आप सिलाई से सीखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और आप लोग जब बोलते हैं कि दीदी आपकी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है गाइस। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा फील होता है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने थ्रू आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती रहूँ। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे रेड कलर में ऊन लिया है, ये देखिए डबल करके लिया है। आप फटा हुआ ऊन बोल के मांगेंगे मार्केट में तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और ये हमने जो हुक ली है, ये हमने 6 नंबर की क्रोशिया हुक ली है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक नॉट बनानी है। कैसे बनाएंगे नॉट, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हम एक नॉट बनाएँगे। ये हमने एक नॉट बना दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो लूप आ रही है इसमें अपने हुक को हम फंसाएंगे। ये देखिए एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ गाइस। यहाँ से एक छूट गया, ये फंसा लेते हैं, ये हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऊन लें, आपके पास जो भी ऊन अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर चेन बनानी है, तो ये हमने एक बनाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने यहाँ पे टोटल 8 चेन बनाई। अब देखिए जो हमारी सबसे पहली वाली चेन है, इसमें हम डालेंगे इस तरह से हुक को, और हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमने इस तरह से इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ दिया। ये देखिए इस तरह से आ गया है। ये हमारी जो लूप आ रही है इससे हम बांधेंगे। ये जो हमारी नैपी की लूप होती है आगे से लंगोट की, वो है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए 1 और 2 चेन हमने बनाई। और यहाँ पे ये देखिए सेम चेन से हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने निकाला। यहाँ पे 3 लूप हैं, सॉरी 3 फंदे हैं, और 3 से हमने 2 किया, 2 से 1 कर लिया। ये हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर हमने सेम चेन में 1 और बार बनाई, ये देखें, और फिर सेम चेन में हम 1 और बार बनाएंगे। टोटल हमने 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाई है। अभी मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई। तो जो हमने 2 चेन बनाई है उसे भी हम 1 डबल क्रोशिया मानते हैं। मतलब हमारी यहाँ पर टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। ये देखें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से 1 और 2 चेन बनाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहली वाले में हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया, और सेम में हम 1 बार और बना लेंगे। ये देखें, ये हमने 2 बार बना लिया डबल क्रोशिया। अब अगले में हम 1 बार बनाएंगे। ये हमने 1 बार बनाया, और ये जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। लास्ट में और फर्स्ट वाले में हमने 2-2 बार बनाना है। ये हमने 1 बार बना लिया, और सेम में हमने 1 और बार बना लिया। ये देखें। अब यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे, सबसे पहले हमने ये 1 चेन बनाई, सॉरी 2 चेन बनाई, तो ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। और फिर ये देखिए ये 1, 2, 3, चार, पाँच, छः। हमने चार से स्टार्ट किया था, अब छः हो गई हैं। अब अगला जो हम बनाएंगे रो, तीसरा वाला अपना, तीसरे रो में हमारी यही छः की जगह पे आठ हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे एक और दो चेन बनाई। अब देखिए सेम में हम यहाँ नीचे नेक्स्ट जो चेन है हमारी, उसमें हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया और सेम चेन में हम एक बार और बना लेंगे। ये स्टार्टिंग में हमारी दो हो गई। सबसे पहले हमने दो चेन बनाई, फिर हमने दो डबल क्रोशिया बना ली। अभी तक टोटल तीन हो गई हैं। ये देखिए अब ये हम नेक्स्ट में बना रहे हैं, तो ये हमारी चार हो गई। फिर हम अगले में बना रहे हैं, तो ये हमारी पाँच हो गई। और फिर हम अगले में बना रहे हैं, तो ये हमारी छः हो गई। अब हमारी लास्ट चेन आ रही है, तो इसमें हमें दो बार बनाना है। ये देखिए लास्ट वाले में हम ये एक हुआ, तो ये हमारा टोटल अभी तक सात हो गया। और ये एक और बना देंगे तो आठ हो गया। हमें स्टार्टिंग में और एंड में दो दो बार बनाना है। यहाँ पे टोटल हमने आठ बार बना दिया है। तीन रो हो गई। अब चौथी रो में देखिए क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। हमने यहाँ पे दो चेन बनाई और नेक्स्ट में हमने एक बार डबल क्रोशिया, फिर सेम में हमने एक और बार डबल क्रोशिया बना दी। ये देखें अब हम अगले चेन में एक एक बनाएंगे। अभी तक तीन हुई हैं, ये चार हो गया, ये हमारा पाँच हो गया, ये छः, सात, आठ। अब हमारा लास्ट बचा है, तो इसमें हम दो बनाएंगे तो हमारा टोटल दस हो जाएगा। तो ये देखिए लास्ट वाले में हम दो बार बना लेते हैं। ये हमारा एक हुआ और सेम में हम एक और बार बना लेते हैं। ये देखिए अब ये हमारा टोटल यहाँ पे दस हो गया है। अभी तक हमने चार रो बनाई है, एक रो और बनाते हैं, पांचवी अपनी। ये देखिए दो चेन बनाई हमने, नेक्स्ट चेन में हम एक बार बनाएंगे और फिर सेम हमें दो बार बना लेना है। स्टार्टिंग हमारी दो हो गई है, अब बीच में हमें एक एक बनाते जाना। अभी तक तीन हुआ है, तो ये देखिए ये हमारा चार हो गया, ये हमारा पाँच हो गया, ये छः हो गया, सात हो गया, आठ, नौ, दस। अब लास्ट वाली हमारी जो है, इसमें हमें दो बार बनाना है। तो ये हमने गलत जगह से निकाल लिया। ये देखिए ये एक हुआ और एक और बना देंगे तो दो हो जाएगा। टोटल यहाँ पे हमारी 12 बार हो गई है। ये देखिए टोटल हमारी 12 हो गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे अभी एक और रो बनाएंगे, तब जाके ये हमारे 5 नंबर के कान्हा जी को फिट आएगी। तो देखें ये हमने यहाँ पे फिर से दो चेन बना ली और यहाँ नेक्स्ट जो है इसमें हमें ये एक और दो, दो बार हमने यहाँ पे ये बना लिया डबल क्रोशिया। अब सभी में हम एक एक बनाते जाएंगे और लास्ट वाले में हमें दो बनाना है। एकदम सिंपल सा तरीका है गाइस, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमें क्रोशिया चलाना ही नहीं आता है, तो आप लोग अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोग को आएगा कैसे? तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सब लोग सीखते हैं तभी उन्हें आता है, कोई ऐसा नहीं है कि पहले से सब कुछ आता रहता है। तो आप लोग भी ट्राई करिए। ये देखें इस तरह से हम बनाते जाएंगे। इस बार मैंने काउंट नहीं किया। ये देखें एकदम सिंपल सा तरीका है गाइस, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ज़रूर ट्राई करें अपने गोपाल जी के लिए। और आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आपने बहुत तेज़ बताया, तो इस बार मैंने कोशिश की कि मैं आपको आराम से दिखाऊं एक एक चीज़। अब ये हमारी लास्ट वाली चेन है, इसमें हमें दो बनाना है। ये एक हुआ और ये दो हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल यहाँ पे मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। ये देखें ये स्टार्टिंग में यहाँ पे ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल हमारी 14 हो गई है। हम क्या करेंगे, यहाँ से अब नॉट लगा के और धागे को कट कर देंगे। ये देखें किस तरह से नॉट लगानी है, सिंपल सा। यहाँ से एक बार आप बनाएं ऐसे और इसे खींच के टाइट कर दें। ये हमारी नॉट हो गई। मैंने सीज़र हटा दी आई थिंक यहाँ से, मैं लेके आती हूँ। ये देखिए यहाँ से हम कट कर देंगे इसे। कट करने के बाद ये हमने खींच दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डोरी बनानी है। तो पिछली वीडियो मैंने जो बताई थी, मैंने यहीं से इसे कट नहीं किया था, डायरेक्ट एक साइड की डोरी बनाती थी, फिर हमने दूसरे साइड की बनाई थी। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताऊँगी क्योंकि ये हमारे बड़े साइज की है। तो यहाँ पे हमें हल्की सी सिकन चाहिए होती है इस तरह से, तो मैं आपको बताऊँगी आज। ये देखें एकदम सिंपल सा है, कोई हार्ड तरीका नहीं है। जैसे मैंने आपको लूप बनाना बताया वैसे बना लें आप। देखिए मैं नॉर्मली इस तरह से बनाती हूँ, ऐसे करके इसमें से हमने इसे निकाल लिया। नॉट लगा के बनाना इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि वो इजी तरीका था। हमने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हमने यहाँ पे 25 चेन बनाई। मैंने वैसे ही यहाँ पे आपको काउंट कर दिया जिससे आपको पता चल जाए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसे ऐसे स्लिप स्टिच की हेल्प से अटैच करते चलेंगे और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाते चलना है। ये देखिए हमने इसे अटैच कर लिया स्लिप स्टिच की हेल्प से। अब हम यहाँ पे इस तरह से सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप नॉर्मली एक एक बार सभी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे तो आपका ये जो है हल्का सा सिकन आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया कैसे बनानी है, शायद मैं थोड़ा सा तेज़ बना रही हूँ तो आपको मैं बताती हूँ। ये फंदा है यहाँ पे, यहाँ से हमने ऐसे डाला, इसे निकाला, ये देखिए, और फिर दोनों को इस तरह से बुन दिया। ये हमारी सिंगल क्रोशिया हो गई। ये देखिए सभी चेन में एक एक बार बनाना है। एकदम सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखें सभी चेन में एक एक बार बनाना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से बना देती हूँ। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी। और ठंडी के लिए आप इकट्ठा बैठेंगे तो आसान से 10-12 बना के रख सकते हैं। और इसके बाद मैं सिलाई से भी बनाना बताऊँगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं, जिनको चलाना आता है क्रोशिया, और काफ़ी सारे लोगों को सिलाई ही पसंद आती है, तो उनके लिए मैं सिलाई से भी बताऊँगी। ये देखिए यहाँ पे ये सिकन आ गई, ये आपको ऐसे गोल लग रहा होगा। ये देखिए। तो अब हमें यहाँ पे ये जो हमारा फंदा बचा है, इधर से हम इधर भी 25 चेन बना लेंगे तो ये हमारा लास्ट से डोरी हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पे चेन बना ली। इसे ऐसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद कैंची की हेल्प से काट के हमने खींच दिया और यहाँ से इसे हमने टाइट कर दिया। ये देखिए ये हमारी लंगोट बनके रेडी है 5 नंबर के लिए। हमने यहाँ पे कितनी रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे टोटल आई थिंक 6, हाँ 6 रो ही बनाई है। ये सीधी साइड है, देखें 1 2 3 4 5 6, हमने 6 रो बनाई है और ये एक बार हमारी सिंगल क्रोशिया आ गई है। तो ये हमारे 5 नंबर के कान्हा जी का हो गया। यहाँ से आप ये एक्स्ट्रा धागे कट कर दें। अब हमें 6 नंबर को बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक बुन लें, ये डोरी छोड़ के। बाकी हमने जितना भी इसमें बुना है 6 रो टोटल सेम तरीके से आप बुन लें। तो चलिए मैं यहाँ पे 6 रो बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको करके बताऊँगी कि क्या करना है। अब देखिए गाइज मैंने यहाँ पर टोटल 6 रो बना दी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रो बना दिए। 7वीं रो हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 और 2 चेन बनाना है। यहाँ पे भी अभी टोटल यहाँ पे 14 फंदे हैं तो हमने 2 चेन बनाई। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में हम ये 1 हमने, और ये देखिए 1 हमने बनाया और यहीं पे 1 और बना लेंगे डबल क्रोशिया। जैसे हम बना रहे थे सेम वही हमें फॉलो करते चलना है। पहले हमारी 2 बार हो गई डबल क्रोशिया और ये हमारी 2 चेन हो गई। टोटल हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना ली है। अब देखिए नेक्स्ट में ये 4 हो गई, ये 6 नंबर के कान्हा जी का है। फिर अगले में हम 1 बनाएंगे, 5 हो गई। फिर अगली चेन में हम 1 बनाएंगे, 6 हो गई। फिर अगले चेन में हमें बनाना है 7, सब में एक एक बार और लास्ट में 2 बार, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हमारी लास्ट चेन आई है तो इसमें हम 2 बार बना लेंगे, तो ये हमारा टोटल 16 हो जाएगा। ये देखिए 14, 15 और ये 16। बस यहाँ से नॉट लगा के कट कर देते हैं। ये हमने कट कर दिया। ये देखिए ये हमारा 6 नंबर के कानाजी का रेडी हो गया। अब जैसे हमने इसमें डोरी लगाई है सेम वैसे हम इसमें भी डोरी लगा लेंगे। इसमें हमने चेन बनाई थी स्टार्टिंग में 25, तो इसमें आप 30 चेन बना लें, फिर यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लें, फिर इधर 30 चेन बना लें और कट कर दें, तो ये हमारा 6 नंबर का तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि 7 नंबर कैसे बनाना है। ये देखिए ये हमारा 6 नंबर का भी रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 बार हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई है। सॉरी हमने यहाँ पे 7 रो बनाई है, आज मैं कुछ ज़्यादा उल्टा फुल्टा बोल रही हूँ। ये देखें ये हमारा हो गया 5 नंबर, 6 नंबर। अब 7 नंबर के लिए हमें क्या करना है, जितना हमने यहाँ पे टोटल 7 रो बनाई है सेम तरीके से बनाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ यहाँ पे 7 रो, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। अब देखिए 7 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने यहाँ पे टोटल 7 रो बनाई हुई है। देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये इस तरह की देखें ये जो हमारी लूप थी इसे हमने सेट किया। यहाँ पे हमने 1 और 2 चेन बनाया। अब पहली वाली चेन में जो है हम यहाँ पे ये 1 और सेम चेन में हमने 1 और 2 बार बना दिया डबल क्रोशिया। अब सभी चेन में हम एक एक बार बनाते जाएंगे, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। ये देखें सभी चेन में हमने एक एक बार बनाते चले जाना है। पहली और आखिरी चेन में आपको 2 बार बनाना है, आपको याद रखना है। और लास्ट वाली जो चेन होगी उसमें हम 2 बार बनाएंगे, पहले वाले में 2 बार बनाएंगे और बीच वाले में हमें एक एक बार बनाना है। ये देखें चलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बुनती हूँ इसे। एकदम सिंपल सा तरीका है और मैं ये 7 नंबर तक का आपको बता रही हूँ। अभी मैं आपको बता दूँगी 10 नंबर तक आप कैसे बना सकते हैं। ये देखें एकदम सिंपल सा तरीका है गाइस, एकदम सिंपल सा। अब हम लास्ट में आने ही वाले हैं, हमारी आखिरी चेन आ गई है। ये देखिए अब इसमें हम 2 बार बनाएंगे। ये हमने 1 बार बनाया और यहाँ पे हमने 2 बार बनाया। अब मैं अगर यहाँ पे आपको गिन के दिखाऊँ तो देखिए ये 1, 2, 3 चेन हो गई, सॉरी 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल हमारी 18 डबल क्रोशिया हो गई। बस हम यहीं पे इसे नॉट लगा के कट कर देंगे। आपने देखा हमने तीनों में कुछ चेंज ही नहीं किया, बस हम एक एक रो बढ़ते चले गए। यहाँ से पहले मैं कट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हमने तीनों में अपने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ से हमने अपने तीनों लंगोट में कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ से एक एक रो बढ़ाई है। सबसे पहला हमने जो बनाया था उसमें हमने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो बनाया। 5 नंबर के लिए हमने यहाँ पे 6 रो बनाया, फिर 6 नंबर के लिए हमने यहाँ पे 7 रो बनाया और 7 नंबर के लिए हमने यहाँ पे 8 रो बनाया। अब आप 8 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप 8 की जगह 9 रो बना लें, और आप 8 के बाद अगर 9 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 रो बना लें। ऐसे ही आप एक एक रो बढ़ते चले जाएं, आपका साइड साइड से 2-2 फंदा बढ़ता चला जाएगा और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अभी मैं 7 नंबर तक को पहना के भी आपको दिखा दूंगी। तो इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी डोरी बनाएंगे। तो डोरी के लिए हम 35 चैन से स्टार्टिंग करेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर लास्ट में हम 35 चैन बना के कट कर लेंगे। चलिए मैं इतना काम करती हूँ, फिर गोपाल जी को पहना के आपको दिखा दूँगी। अब देखिए गाइस हमने यहाँ पे ये तीनों साइज़ के लिए बना लिया है। तो चलिए मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ। ये 5 नंबर के कान्हा जी हैं, 6 नंबर के और ये 7 नंबर के कान्हा जी, ये मेरे कान्हा जी हैं। आप देखें और ये सभी लोग सेल करने के लिए आते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी कितने कान्हा जी हैं आपके पास, तो मेरे पास सिर्फ ये एक ही कान्हा जी हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे दो लोग को पहना लेती हूँ नेपी और एक लोग को आपको पहना के वीडियो में दिखा दूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे 7 नंबर को पहना दिया है, 6 नंबर को पहना दिया है, 5 नंबर को मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हम पहनाएंगे। ये हमारी नेपी है, यहाँ से पीछे से इस तरह से आएगी। आई थिंक वीडियो में दिख नहीं रहा, आप देखिए ये क्लियर दिख रहा है हमारा, यहाँ से आएगी और फिर ये डोरी हमारी फ्रंट पे आ जाएगी और ये जो नीचे वाली लूप है ये फ्रंट से यहाँ आगे आएगी। काफ़ी सारे लोग को आता होगा पहनाना, बट कुछ लोग नए होंगे जिनको नहीं आता होगा पहनाना, उनके लिए मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी आगे से लूप है इसमें से हम अपनी ये डोरी निकालेंगे। ये हमने एक बार कहीं भी आप फंसा दे डोरी को, इसमें से निकाल के, चाहे इस साइड की चाहे उस साइड की। ये हमने यहाँ पे देखिए डोरी निकाल दी और डोरी निकालने के बाद ये वाली डोरी जो हमारी यहाँ से ऐसे इधर आएगी और दोनों ऐसे एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हुए पीछे चली जाएंगी और यहाँ पे हमें हल्का सा इसे टाइट करते हुए एक बार पीछे बांध देना है और एक बार हम आगे बांध देंगे। इस बार मैंने डोरी बहुत बड़ी नहीं बनाई है, पिछली वीडियो में जो बनाई थी उसमें डोरी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। ये देखें आप फिटिंग देखें कितनी अच्छी आई है कान्हा जी को, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गए हमारे, देखिए कान्हा जी 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और आपको मिल जाएगी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये देखें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 ये सभी साइज की नेपी आप बना सकते हैं और 8, 9, 10 मैंने वीडियो में आपको बता दिया क्लियर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आप आसानी से बना लेंगे। तो ये जो तीनों आप नेपी स्टार्टिंग वाली देख रहे हैं गोल्डन कान्हा जी जो पहने हुए हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर लें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।